Assalamu alaikum guys, welcome to our channel KNZ. I hope you all are fine and doing great. Today we are going to make perfectly moist banana bread. So let's move to the ingredients. First up, we have 1 stick or 8 tablespoons softened butter, 2 cups of all-purpose flour, 1 teaspoon baking soda, 1 teaspoon baking powder, and 1.5 teaspoon of cinnamon powder, darchini powder, 2 eggs at room temperature, 1 teaspoon vanilla extract, 1/2 cup buttermilk, 1/2 cup white sugar, 3/4 cup brown sugar, 3 overripe large bananas and 1 teaspoon lemon juice. सबसे पहले हम बनाना को मैश करेंगे. आप मैशर से भी मैश कर सकते हैं, बट आई एम यूजिंग फोक हियर. अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस. अब मैं ऑल पर्पज फ्लावर में बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और सिनेमन पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं. अब मैं लूँगी एक बॉल में बटर, उसमें ऐड करूँगी वाइट शुगर, ब्राउन शुगर और उसे अच्छे से बीट करूँगी. आप इसमें नट्स यूज़ कर सकते हैं, वॉलनट्स, रेजिन्स, जो भी आपकी चॉइस हो. मैंने इसे सिंपल रखा है. अब हम इसमें ऐड करेंगे मैश बनानास और इसे फ्यू मिनट्स के लिए अगेन बीट करेंगे, जब तक कि अच्छे तरह से कंबाइन नहीं हो जाते. बनाना जितने ओवर राइप होंगे उतनी अच्छी बनाना ब्रेड बनेंगी. आप घर में इसको इजीली ट्राई कर सकते हैं और ये बनाना बहुत इजी है. अब हम इसमें ऐड करेंगे एग्स, वनीला एक्सट्रैक्ट एंड बटर मिल्क. बटर मिल्क बनाना भी बहुत इजी है. 1:1 से हम इजीली बटर मिल्क बना सकते हैं, जितने भी क्वांटिटी का हमने बनाना हो. लाइक यहाँ मैंने 1/2 कप बटर मिल्क यूज़ किया है, तो मैं 1/2 कप मिल्क में 1/2 टेबल स्पून विनीगर या 1/2 टेबल स्पून लेमन जूस डाल के रख दूँगी और कुछ देर बाद बटर मिल्क रेडी हो जाएगा. अगर आप बटर मिल्क नहीं यूज़ करना चाहते तो आप सिंपल मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं. अब यहाँ बैटर में हम तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके सिंपली स्पैचुला की हेल्प से फोल्ड कर लेंगे. मैंने रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं. बैटर को ओवर मिक्स नहीं करें, इससे ब्रेड अच्छी नहीं बनेगी. और यहाँ मैंने 8 इंच के लोफ पैन को बटर के साथ ग्रीस कर लिया है और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर फ्लावर स्प्रिंकल कर दिया है ताकि ब्रेड को निकालने में आसानी हो. अब हम सारा बैटर पैन में पोर कर देंगे और उसके बाद हम बेक करेंगे. मैंने यहाँ पर दोनों तरीक़ों से आपको बताया है, आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं और पतीला में भी. पैन को काउंटर पर थोड़ा टैप कर लें ताकि एयर गैप्स रिमूव हो जाएं. प्रीहीटेड ओवन में आप 1 आवर के लिए 180 डिग्रीज पर बेक करेंगे और पतीला में 45 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर. Perfectly moist banana bread is ready. आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें और ये बहुत बहुत moist बनती है. अब हमने इसे पैन से निकाल लिया है, अब हम इसकी कटिंग करते हैं. आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और शाम की चाय के साथ इन्जॉय करें. आई होप यू गाइज इन्जॉयड वॉचिंग दिस वीडियो. Don't forget to give your feedback in the comment section down below. To subscribe our channel and hit the notification bell icon. Until next time, take a very good care of yourself. Stay safe. Allah Hafiz.